हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज फ्राइडे है तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक हमें डिस्कस करना ही है, राइट? तो आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, राइट? अगेन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉमन गोल है और काफ़ी बड़ा भी गोल रहता है हमारी लाइफ में, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि देर इज़ अ मैक्सिमम डिस्काउंट विच वी ऑफर। 55% जो है हमारा डिस्काउंट चल रहा है ऑन अवर सब्सक्रिप्शंस। मॉडल पोर्टफोलियो हो गया या फिर स्टॉकोमीटर हो गया या फंडोमीटर हो गया, और कॉम्बो मिलेंगे तो 55% से ज़्यादा अप टू 65-70% तक आपको डिस्काउंट यू कैन गेट इफ़ यू टेक द प्रोडक्ट्स इन कॉम्बो। दे आर वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो, ठीक है? तो डू चेक दोज हमारे जो सब्सक्रिप्शंस ऑन अवर वेबसाइट investorsnya.in। तो चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं, राइट, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन आई टॉक टू सो मेनी पीपल, लाइक मैंने कम से कम खुद पर्सनली 600-700 फाइनेंशियल प्लान्स बनाए हुए हैं, राइट? तो व्हेन आई टॉक पर्सनली टू देम, तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट व्यू, राइट, ऑन चाइल्ड एजुकेशन। बिकॉज एज अ पेरेंट हम जो है, हमने काफ़ी डिफरेंट एजुकेशन एक्सपेंसेस किए, राइट? और आजकल हम जब सुनते हैं तो हमारे एजुकेशन एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ें हम सुनते हैं। तो कितना पैसे, पहले तो ये प्लान, कितना पैसा प्लान करें चाइल्ड एजुकेशन के लिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ मच आई शुड प्लान, राइट? और फिर अगर हम प्लान करें तो फिर वो कितना हमारे लिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो कितना प्लान करें, तो ये अब ऑब्वियसली अलग अलग है। आजकल इतनी सारी फील्ड्स हो गई हैं, राइट, और इवन स्पोर्ट्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी पैरामीटर हो गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि कितना प्लान करें, ये एक पेरेंट्स का सबका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और जो हाउ आई ट्राई टू मैनेज इट इज, देखो, मैं मोस्टली पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपका कुछ एस्पिरेशन है, कि पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि इंडिया में पढ़ाई करनी है, मतलब ग्रेजुएशन का प्लानिंग, अगर हम चाइल्ड एजुकेशन ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्रेजुएशन का अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर हमें इंडिया में करना है या हमें बाहर से करना है, तो बाहर अगर हम US है, ठीक है, यूरोप है, जो भी है, मतलब, तो हम बाहर अगर हम US को मान लें, विच इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑल्सो एंड एजुकेशन वाइज बेस्ट ऑल्सो, तो हम इंडिया और US का हम पहले ये डिसाइड करना है कि हमारा एस्पिरेशन क्या है एज अ पेरेंट, राइट? इवन दो किड इज मे बी 1 ईयर ओल्ड, बट एटलीस्ट वी हैव सम एस्पिरेशन। हमने बाहर से करी है क्या पढ़ाई, तो वो एक चीज़ है कि अगर एज ए पेरेंट आपने की है बाहर से पढ़ाई, तो मतलब देर इज अ हाई चांस दैट योर किड मे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी आउट, और यू मे बी फ्लेक्सीबल कि हाँ ठीक है। तो वो चीज़ हमें है, अगर आप क्लियर हैं कि नहीं नहीं ग्रेजुएशन तो यहीं से करेगा, बाहर से पढ़ाई करनी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा या देखेगा अपने हिसाब से, ठीक है, तो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वो सब चीज़ें हमें प्लान करनी है। तो अगर इंडिया में ग्रेजुएशन करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कितनी कॉस्ट लगती है? तो मोस्टली टिपिकली अगर हम एक प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, राइट, या फिर कोई वैसा कोई कोर्स है, राइट, तो आप टिपिकली जो आजकल जो खर्चा चल रहा है प्राइवेट कॉलेज में, वो एक 10 से लेके 15 लाख के बीच में, ठीक है, लॉ हो गया या इंजीनियरिंग हो गया, इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं, तो 10 से 15 लाख इंक्लूडिंग हॉस्टल वगैरह, मतलब मोस्टली टिपिकली आज का जो कॉस्ट है वो हमें कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, 15 लाख तक आपको कंसिडर कर सकते हो आप, राइट? अगर आप क्या कहते हैं भाई आर्ट्स या कॉमर्स ग्रेड हो एंड यू आर ओके कि नहीं मेरा बच्चा, सपोज यूर किड इज 9th और 10th एंड यू नो मोर और लेस कि ठीक है यार ये तो कॉमर्स लेगा या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेगा, राइट, तो फिर देन अगेन उसमें भी अलग अलग हम किस टाइप का कोर्स कर रहे हैं। अभी अगर हमें मतलब क्या फैशन इंडस्ट्री में जाना है तो देन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। तो हमें समझ पता होना चाहिए कि हमारे कॉलेजेस जो फैशन टेक्नोलॉजी सिखाते हैं या फैशन डिजाइनिंग सिखाते हैं, तो दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो इट इज़ अगेन एज मच एज लाइक 15-20 लाख रुपीज़ इट कैन गो, राइट? बट अगर एक नॉर्मल अगर हम बीकॉम की बात करें या इवन एज अ CA की बात करें, तो कॉस्ट इज लिटिल लेस, क्योंकि उसमें इनकम भी आती है, तो कॉस्ट इज लिटिल लेसर। तो वी कैन प्लान फॉर lesser cost, मतलब as low as 5 lakh rupees to 5 lakh rupees also you can plan from, अगर हम एक arts और commerce के colleges के courses की बात करें from private college perspective, right? अगर मैं mostly private college की बात करूँ, क्योंकि government college आप अगर जाते हैं तो it can be very low, मतलब अगर हम tuition fees और सब चीज़ें बात करें तो वो 1.5-2 lakh rupees में भी काम, मतलब मैक्सिमम आप 3-4 lakh rupees में भी हो जाता है। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज, कई कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे, नॉट IITs, दे आर नाउ एक्सपेंसिव, बट दे आर सम इंजीनियरिंग कॉलेज विच आर वेरी लेस, ठीक है? तो हमें एक अगर एक और कंजर्वेटिव सिनेरियोज लेने हैं, तो मैं मोस्टली यही बोलता हूँ कि अगर आपको, आप खुद एक इंडिया में पढ़े हुए हो, आप सपोज आप खुद एक इंजीनियर हो, तो एटलीस्ट वो प्लान तो करो
ठीक है कि भाई मैं अगर प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है तो आज का प्राइवेट कॉलेज का खर्चा ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीज के आसपास है इंक्लूडिंग हॉस्टल, तो उतना तो मैं प्लान करूंगा ही मिनिमम, राइट। हाँ, अब मेरे को लेकिन एस्पिरेशन है मेरा बेटा बाहर जाए, तो फिर बाहर ग्रेजुएशन टिपिकली 80 लाख to 1 crore रुपीज यू शुड कंसिडर, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, 82 लाख रुपीज to 1 crore रुपीज अगर आप बाहर पढ़ रहा है ग्रेजुएशन से, और इंडिया में कर रहा है तो इंजीनियरिंग के लिए एज आई सेड 15 लाख to 20 lakhs, और अगर हाँ आप थर्ड इज डॉक्टर और ग्रेजुएशन कॉमर्स वगैरह कर रहा है तो आप 5 to 10 का भी कंसिडर कर सकते हो, और अगर आप डॉक्टर के लिए कर रहे हो, मेडिकल एजुकेशन इज वेरी डिफरेंट अगेन, गवर्नमेंट कॉलेज की मेडिकल एजुकेशन जो है वो एज लो एज 5 to 10 lakh रुपीज भी हो सकती है, एंड प्राइवेट की इट कैन बी एज हाई एज 40 to 50 lakh रुपीज एज वेल, राइट। मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो ठीक है, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली मैं हमेशा बोलता हूँ मे बी योर किड इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड एवरीथिंग, बट स्टिल कंजर्वेटिव लेना चाहिए, अगर हमें लगता है हमें बेटे हमारे बेटे को डॉक्टर बनाना है, राइट, तो लेट्स कंसिडर प्राइवेट कॉलेज फीस एज ओनली, तो अगेन 40 to 50 lakh रुपीज इज वॉट आई मोस्टली प्लान की पेरेंट्स शुड प्लान, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने इस हिसाब से बकेट्स का हमें करना चाहिए। अब क्या कहते हैं, करें कैसे, कितना करें, क्या करें, तो वो हम यहाँ पर आई एम जस्ट प्लानिंग कि हम हमारा कैलकुलेटर है राइट ऑन इन्वेस्ट चेतना, तो यू कैन जस्ट गो टू दिस ट्रैकर कैलकुलेटर हेयर, और आप चाइल्ड एजुकेशन कैलकुलेटर पे जाओगे तो इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे कोर्स स्टार्ट डेट, अब योर किड इज एट व्हाट एज, तो वो स्टार्ट कब होगा, तो सपोज एग्जाम्पल, सपोज योर किड इज 10 ईयर ओल्ड एंड 18 में टिपिकली मोस्टली किड्स जो है वो ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट जो है वो मानते हैं कि 8 ईयर्स डाउन द लाइन, सो 2030 समथिंग मे बी इन अप्रैल और समथिंग आई विल नीड मनी फॉर माई किड फॉर एजुकेशन, राइट। तो हम यहाँ पर अप्रैल डाल देते हैं, 1st April सपोज इज वॉट आई एम पुटिंग मोस्टली, मतलब अगेन अप्रैल मई जून में कॉलेज स्टार्ट होते हैं, तो 1st April 2022 to 2030 को आई नीड मनी, टुडे इज सपोज 5th August, तो आई एम कीपिंग कि आज से आई कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, अगर आपको लगता है कि आई कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे तो आई मे बी मैं अगले साल ही कर सकता हूँ, इस बार टाइट है सिचुएशन या देयर इज सम बिग गोल विच आई हैव टू फर्स्ट डू, तो इसको आप डेट को चेंज भी कर सकते हैं, राइट। मैंने अभी कंसिडर सेम ही किया है। अब कितना पैसा आज प्रेजेंट कोर्स कॉस्ट क्या है, ये आज की कॉस्ट डालनी है आपको, नॉट कॉस्ट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट आपको नहीं करनी, आज की क्या कॉस्ट है। तो सपोज एज आई सेड कि मैं एक नॉर्मल इंजीनियरिंग का, एक इंजीनियरिंग या एक प्रोफेशनल कोर्स का सपोज 20-25 lakh डालता हूँ एक, ठीक है। तो अब उससे ज़्यादा भी अगर है राइट, तो दैट्स व्हाट 25 lakh रुपीज इज व्हाट आई हैव पुट। इन्फ्लेशन ऑन एजुकेशन इज मोस्टली हायर, ठीक है, देन द नॉर्मल इन्फ्लेशन विच वी हैव, ठीक है। आपने देखा भी होगा आई एम श्योर कि हमारी, मेरे टाइम पे था, मैंने जब कॉलेज किया था राइट, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड एवरीथिंग, आई डोंट थिंक आई इवन स्पेंड 1 lakh रुपीस, राइट। सो टुडे अगर इंजीनियरिंग किया था तो अभी जो है इंक्लूडिंग हॉस्टल आई डोंट थिंक कि प्राइवेट कॉलेज से 15-20 lakh से कम हो सकता है, तो 14-15 टाइम्स हो गया है, राइट। तो इन्फ्लेशन इन एजुकेशन सेक्टर इज वेरी हाई, मतलब हायर देन द नॉर्मल इन्फ्लेशन, तो इसलिए मोस्टली आई टेक इधर 9-10% के आसपास हमारा इन्फ्लेशन नंबर हमें रखना चाहिए, ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड। हमारा रिटर्न, अब मैं जो इन्वेस्ट करूंगा उस गोल के लिए तो मेरे को कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके लिए, तो अगर आप इक्विटी मार्केट्स में कर रहे हो तो मे बी 12% ले सकते हैं, आप एक हाइब्रिड फंड्स में कर रहे हो तो 9-10% ले सकते हैं, आप अगर FDs में डाल रहे हो तो 6% ले सकते हैं, तो अपन आप कितने पे कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से नंबर आएगा। तो मैं सपोज मान रहा हूँ कि चलो 8 साल का गोल है, तो सपोज पूरा का पूरा पैसा जो मैं इन्वेस्ट करूंगा वो इक्विटी में करूंगा, फिर एनुअल इंक्रीज इन मंथली इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो मैं एवरी ईयर इस जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ एवरी ईयर उसको इंक्रीज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो 10% मैं डाल के रहा हूँ कि एवरी ईयर मेरी सैलरी 10% से बढ़ जाएगी, तो आई कैन एडिशनली इन्वेस्ट नेक्स्ट ईयर, ठीक है, फॉर दैट गोल। तो वो स्टेप अप SIP का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, राइट, तो वो उस पर चलेगा। अमाउंट इन्वेस्टेड सो फार, अभी तक मेरा उस गोल के लिए कोई पैसा इकट्ठा किया है क्या, नहीं किया। सपोज आपने किया है, आपके पास है 2-3 lakh रुपीज़ की, मेरे का 2 lakh रुपये ऑलरेडी चाइल्ड एजुकेशन लिए रखा है, तो यू प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। और अगर उसका कुछ अगर है और वो कितना रिटर्न देने वाला है वो आपको एक्सपेक्टेड है उस पर, तो यू कैन पुट दैट नंबर एज वेल। तो मैंने यहाँ पर 0 डाला है कि अभी इन्वेस्टेड नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो वंस वी क्लिक ऑन सबमिट, तो 25 lakh रुपीज का जो कोर्स है 8 साल के बाद ऑलमोस्ट 52 lakh का डबल हो गया ऑलमोस्ट, राइट। तो हमें 52 lakh रुपीज चाहिए उस टाइम पे। फ्यूचर कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज नो करंट इन्वेस्टमेंट, तो 0। गोल जो है 7 ईयर 8 मंथ्स के बाद जो है वो आपका हो जाएगा। मंथली SIP इज ऑलमोस्ट 35,600 रुपीज इज वॉट यू रिक्वायर
ठीक है, टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. अगर यू नीड दिस अमाउंट 52 लाख रुपीज फॉर योर किड व्हेन आफ्टर 8 ईयर्स, इफ योर किड इज 10 ईयर ओल्ड नाउ, ठीक है, और मल्टीपल किड्स हैं तो वो मल्टीपल, राइट. तो इस तरह से 35,000 रुपीज पर मंथ वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. स्टेप अप SIP मतलब ये है कि एवरी ईयर अगर मैं 10% से बढ़ा सकूँ कि हाँ मैंने एनुअल इंक्रीज 10% डाला है, तो वो 25,500 रुपीज आई कैन इन्वेस्ट दिस ईयर. नेक्स्ट ईयर आई विल इंक्रीज इट बाई 10% एंड देन अगेन आफ्टर दैट 10%. एवरी ईयर इफ आई इंक्रीज बाई 10 ईयर्स, आई कैन स्टार्ट विद 25,585 एज वेल. दैट्स द लोवेस्ट, ठीक है. इससे कम मैं स्टार्ट करूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू मीट माई गोल, ठीक है. तो अगर लमसम है मेरे पास, आई हैव सम मनी विच इज लाइंग एंड आई वॉन्ट टू जस्ट डायरेक्टली इन्वेस्ट दैट फॉर दैट गोल, तो मैं अगर 22 लाख रुपीज आज मैं इन्वेस्ट कर दूंगा एंड दैट मनी कैन गिव मी 12%, ठीक है, विद 10% इन्फ्लेशन, तो मेरा गोल कंप्लीट हो जाता है, राइट. सो दिस इज हाउ वी शुड प्लान आवर चाइल्ड एजुकेशन, राइट. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू अंडरस्टैंड द कोर्स कॉस्ट एंड इट कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. मतलब आई हैव डन कोर्स कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ रुपीज अगर हमें US एजुकेशन करना है, एंड आई हैव डन सम पेरेंट्स से कि नहीं यार बच्चा एजुकेशन लोन ले लेगा, मैं तो 4-5 लाख रुपये दूंगा सिर्फ, मेरे को नहीं देना है ज़्यादा, तो 5 लाख रुपीज भी आई हैव डन इन माई प्लान्स, ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स टू पेरेंट एज वेल. आई हैव डन ग्रेजुएशन का अलग, पोस्ट ग्रेजुएशन का अलग. सम पेरेंट्स वॉन्ट्स पोस्ट ग्रेजुएशन गोल ऑल्सो, ठीक है, एंड दे से कि हम उसका भी सेपरेटली प्लान करेंगे, ठीक है, एंड दे प्लान फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. तो वहाँ पर वो भी डाल सकते हो आप सेपरेटली, ठीक है. एंड सम पेरेंट्स ओनली वॉन्ट्स टू प्लान ग्रेजुएशन, ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट साइज एज वेल कि आपके कितनी मंथली सेविंग्स है, कैन यू मैनेज ऑल दोज मल्टीपल गोल्स एज वेल. तो वो सारी चीज़ें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस कैलकुलेटर में आप करके और आप देख सकते हो, हाँ यार मैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैनेज कर सकता हूँ, ग्रेजुएशन भी मैनेज कर सकता हूँ और इतना कर सकता हूँ, कंजर्वेटिव कितना है, तो वो मैं प्लान कर सकता हूँ. हाँ, उसके ऊपर अगर बच्चे को चाहिए तो ऑब्वियसली स्टूडेंट लोन इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन विच स्टूडेंट कैन टेक, ठीक है. सो दैट्स हाउ द पेरेंट्स शुड प्लान चाइल्ड एजुकेशन, राइट. सो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस एंड टू टेल यू अबाउट. तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए. अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और ये फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज़ अच्छी लगती है, इस पर कोई आपको कोई सजेशन है कि कौन सा टॉपिक वी वॉन्ट टू डिस्कस ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, तो प्लीज़ कमेंट पर लिखिए, बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या अच्छा लग रहा है. तो अकॉर्डिंगली आई विल मेक दोज वीडियोज एज वेल, ठीक है. तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए. तो जो भी सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे किसी टॉपिक पे, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट वीडियो नेक्स्ट वीक, राइट, ऑन द सेम शो और फाइनेंशियल प्लानिंग फ्राइडे. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों. जय हिंद.